टाइम मुझे सिस्टर बात की। आज 24 जनवरी है जो रंग के बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस का मेन थीम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जब पहली बार इंदिरा गांधी जो थी 1966 में प्रधानमंत्री के रूप में एक महिला के रूप में प्रधानमंत्री बनी थी और शपथ ली थी, उसी समय से ये बालिका दिवस को मनाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में इसे विस्तृत रूप से उजागर किया गया है। जैसा कि आप सभी छात्राएं जानती हैं, आप सभी बालिकाएं हैं, आप सभी जान रहे हैं कि बालिका दिवस का मेन मकसद ये है आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में जो असमानता है बेटा और बेटी के बीच में इसको दूर करना। इसका मेन थीम ये भी है समाज में भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएँ हैं जिसमें बच्चों के साथ गलत किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है। उस कंडीशन में कुछ लीगल एक्ट बना हुआ है जिससे मैं आप लोगों को रूबरू करूंगी कि उस एक्ट का आप लोगों को जानकारी हो। जैसे सबसे पहले दहेज प्रथा अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम भारतीय दंड संहिता में दहेज प्रथा के लिए 3/4 कानून बनाया गया है जिसमें महिलाओं को इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। इसे बच्चियों अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये सभी कानून जो है विशेष रूप से आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें आप लोगों को जानकारी होना चाहिए इस चीज़ का। आप कल होगी एक कुशल नागरिक, कुशल गृहिणी, कुशल महिला बनने वाली हैं, इसलिए इस चीज़ की जानकारी सभी महिलाओं को सभी बच्चियों को होना चाहिए कि बच्चियों को क्या अधिकार है अपने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में। खासकर दहेज प्रथा जो हमारे समाज सबसे बड़ी कुरीति है अभी वर्तमान स्थिति में, तो सब गार्जियन जो होते हैं जिसमें बच्चे की शादी करते हैं वो समझते हैं कि हम जो हैं अपने जो है बच्चे का शादी कर रहे हैं तो जितना बने कम से कम हो दहेज दें, और बेटा के शादी करते हैं ये सोचते हैं कि हम जितना हो ले सके, तो ये चीज को असमानता को दूर करना पड़ेगा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा भी हाल ही में प्रयास हुआ था जिसमें बताया गया था कि दहेज प्रथा को खत्म करना है ताकि समाज में एक नई दिशा आए, और इसके लिए जो है केवल कानून बनाने से नहीं होगा, सभी महिलाओं को सभी बच्चियों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, सभी समाज में जो है समानता का अधिकार लड़कियों को मिल सकेगा। इसलिए हम सबसे सभी बच्चियों से आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे ये अपील करेंगे कि बच्चियों अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो और अपने जो उद्देश्य है लक्ष्य है उसे कभी हटके नहीं, क्योंकि माता पिता जो है बहुत एक उद्देश्य के साथ आपको अपने विद्यालय कॉलेज में भेजते हैं जिसका आप लोग भरपूर फायदा उठाए और अपने जीवन को जो उद्देश्य आप लोग ने अपने जीवन में एक नियम रखा है वो पूरा करें। धन्यवाद। फिर अलग अलग तरह का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है।
आप लोग देखिए, आप लोग किसी से बहकावे में मत आइए। अपना जो कभी भी आप कहीं जाते हैं, अभी क्योंकि हमारे जिला में, पूर्णिया जिला में एक बुरा रास्ता चला हुआ, जिसकी पदाधिकारी है, ये अभी सारे स्कूल में मॉनिटरिंग करती है, सभी स्कूल में जा करके, जैसे कि ये आपका ये स्कूल, आप लोगों को पता नहीं चलता होगा कि आप लोगों पर, हम लोगों पर नजर रखनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं आप लोगों के साथ, कोई ऐसा कुछ बुरा ना हो, इसके लिए हर स्कूल पर हमारी टीम जा करके वहाँ पर देखती है कि किसी बच्चे के साथ मतलब कोई लड़का ऐसा बोले जो कि उसको कोई पीछा कर रहा हो, या किसी को स्टॉप कर रहा हो, यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो जा रही हैं, तो होता नहीं अपना कुछ अनसंबोधता है, उस समय काफ़ी अनिश्चित फील होता है। तो डरना नहीं है, और जब भी कोई किसी सहयोग की आवश्यकता हो, महिला थाना एकदम जस्ट बगल में है, सभी लड़के अपने भी जाके और की अलग बच्चियाँ हैं उनको भी बताइए कि अगर कोई तरह समस्या होती है उड़ान दस्ता स्कूल के टाइम पर ये घूम कर रहता है, कोई तरह की दिक्कत हो, गाड़ी से बिना डरे एकदम बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा समस्या है तो आप अपने थाना में आकर बोल सकते हैं, थाना में अगर दिक्कत आप अपने प्रिंसिपल को बोल सकती हैं, हर एक तरह की व्यवस्था की गई है। या तो आप लोग समस्या की करते हैं, अगर नहीं बोल सकते किसी के पास तो लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, अपने गार्जियन को बोलिए, अपने फ्रेंड को बोलिए, नहीं कोई दिक्कत तो फ्रेंड को लेकर अपने थाने में करके, महिला थाना थोड़ी भी सेफ है, छोटा वहाँ महिला पदाधिकारी आपकी गोपनीयता की रखी जाती है कि आपका रास्ता कुछ इस तरह का हो रहा है तो वो बाहर नहीं जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और हम लोग उसका जो है जो भी निराकरण का जो भी उपाय होगा वो हम लोग करते हैं। तो संक्षिप्त में यही बात है कि आप लोगों को लॉ के बारे में तो ज़्यादा बता करके जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग बस इतना जानिए कि अपनी सेफ्टी, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, किसी से बहकावे में मत जाइए, क्योंकि आजकल समाज जो है बहका रहा है, हम लोग खुद भी देखते हैं, खुद भी चले जाने को देखते हैं, वो पढ़ने की अवस्था में है, लेकिन हम लोग उस टाइम पर कुछ उसको हो नहीं सकते। अभी हम चाहेंगे तो कह रहे हैं मेरा दोस्त है ये है वो, हम लोग इस तरह का सामना करना पड़ा, तो देखिए वो आपका ही आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपका डायरेक्शन गलत है, उससे आपको फ्यूचर में सिर्फ नुकसान है, क्योंकि हम लोग खुद ये चीज़ देख रहे हैं थाने में, हम लोग नहीं चाहते कि जो हो चुका है वो अब ज़्यादा हो, इसीलिए हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं कि आप लोग जो है अपना बुद्धि विवेक से काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, सही सोचिए, आप जब भी कोई काम करती हैं, किसी से फ्रेंडशिप करती हैं, एक लिमिट तक फ्रेंडशिप करती हैं, जहाँ बात है पढ़ाई है खेल है वहाँ तक, उससे आगे का जो कोई बात नहीं, किसी हर चीज़ की एज का निर्धारण किया गया है, तो उस चीज़ को मैं ओपनली अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्लास में मतलब शायद बोल देती, लेकिन हर चीज़ की एज निर्धारण है, तो उस चीज़ को लिमिट के क्रॉस मत करिए, और अपने लिमिट में रह करके जो भी काम करना अच्छे से करिए, ताकि आपके आपकी माता पिता का, आपके स्कूल का, आपके प्रिंसिपल का, और पूरे जिले का जो है नाम रोशन कर सकें। Thank you.
टीचर एंड डियर स्टूडेंट्स, आज 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसके अवसर पे हम लोग यहाँ पे आप लोगों से कुछ बातें करने आए हैं। ठीक है, आप लोग कोई परेशानी नहीं है? किसी कुछ मन में कुछ बोलना नहीं है ना किसी को? वैसे मैं अपना नंबर तो सबसे दे दी हूँ आपकी प्रिंसिपल के पास, जो मेरा नंबर है उड़न दस्ता का, किसी को कोई परेशानी हो उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पढ़े पढ़े पढ़ते नहीं, जो पढ़ा लिखा हो उसको अधिकार से अधिकार